हेलो बच्चों, जैसे मैंने आपको अपने लास्ट सेशन में बताया था, लेसन ऊंट चला है ना, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने थोड़े से कंप्लीट किए थे, और जो बच गया था वो मैंने बोला था मैं नेक्स्ट सेशन में करूंगी। तो आज मैं आपको वो बताऊंगी, लेकिन उसके पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स के थ्रू आप मेरे से पूछ सकते हो। तो जो प्रश्न उत्तर रह गए थे उन्हें मैं स्टार्ट करूंगी, लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको कविता बताती हूँ, है ना। तो आप सभी मेरे साथ पढ़िएगा। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। मैंने इसकी मीनिंग आपको अपने पहले सेशन में बताई है, तो मैं बस राइम पढ़ रही हूँ, पोएम पढ़ रही हूँ कि इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। आई होप आप सबने मेरे साथ राइम पढ़ी है, पोएम पढ़ी है। तो अब हम जो क्वेश्चन आंसर इसके रह गए थे, क्वेश्चन मींस प्रश्न, आंसर मींस उत्तर, वो मैं आपको बताऊंगी। तो आइए हम नेक्स्ट बीट पे आते हैं। कविता में ब से, ब अक्षर से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं आपको ढूंढना है ना। उनके नीचे रेखा खींचो, उनके नीचे आपको लाइन खींचनी है, बट मैंने ये आपको लिख के बताया है। तो अगर आप कविता पढ़ोगे, पोएम पढ़ोगे, तो आप वहां पे लाइन कर सकते हो। तो वहां पे ब से शुरू होने वाले शब्द हैं बालू, बालू मीन्स सैंड, बोझ जो वो उठाता है सामान, उसे हम बोझ बोलते हैं, जो कैमल ऊंट सामान उठाते हैं उसे हम बोझ बोलते हैं, बैठेगा है ना, बैठेगा मतलब सिट करना, और बता टेल, ये सारे ब अक्षर से शुरू होने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न क्या है, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, आपका नाम कौन से अक्षर से शुरू होता है, ये आप सबों को मालूम होगा। उस अक्षर से चार शब्द लिखने हैं आपको। तो मेरा नाम शुरू होता है प से, तो मैंने प से चार शब्द लिखे हैं, चार वर्ड लिखे हैं, है ना। शब्द मीन्स वर्ड, जैसे प से परी, परी मीन्स फेरी जो बच्चों को बहुत पसंद होती है, प से पपीता, पपीता मीन्स पपाया, प से पतंग, पतंग मीन्स काइट, एंड प से पलंग, पलंग मीन्स बेड। तो ये प से शुरू होने वाले चार शब्द हैं, फोर वर्ड हैं। आपके नाम जो भी अक्षर से शुरू होते हैं आप उनसे वर्ड लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। यहाँ पे दो क्वेश्चन है जिनके आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगी। यह है कविता बढ़ाओ, यहाँ दो लाइन लिखी हुई है, आपको इससे राइमिंग करते हुए इस कविता को आगे बढ़ाना है, आगे लिखना है। तो क्या है आइए देखते हैं। अक्की बक्की करे तरक्की, अक्की बक्की दो बॉय हैं और दो गर्ल हैं, कुछ भी हो सकती है ना। अक्की बक्की करे तरक्की, आगे मैंने कैसे राइम किया है, मेहनत करके बनते लकी। जब आप मेहनत करते हो तो आप क्या बनते हो, आप लकी हो जाते हो, बिना मेहनत के आप लकी नहीं बन सकते हो, तो मेहनत बहुत ही जरूरी है। तो अक्की बक्की करे तरक्की, मेहनत करके बनते लकी, दोनों की यारी है पक्की। तो ये मैंने राइम करके इस कविता को बनाया है, आप भी अपनी तरफ से कोशिश करो, ट्राई करो। ओके, ये दो प्रश्न मैं पढ़ती हूँ और इसके आंसर आपको बताती हूँ, आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। बहुत सारे जानवरों को, एक मिनट मैं आपको हाइलाइटर से ये दिखाती हूँ, बहुत सारे, पढ़िए मेरे साथ, जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल मतलब यूज किया जाता है। बहुत सारे जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है, क्या आपको यह ठीक लगता है।
अगर लगता है तो क्यों लगता है, और अगर नहीं लगता है ये ठीक तो क्यों नहीं लगता है, ये आपको बताना है। तो सोचिए आप सभी, मैं भी सोचती हूँ। यस, बहुत सारे जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है ना। तो बहुत सारे, आप आंसर इसका उत्तर कैसे लिखोगे, बहुत सारे जानवरों को बोझा, आप प्रश्न से ही इसका आंसर स्टार्ट करोगे, ये आप सेम लाइन लिखोगे यहाँ से, ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुझे यह ठीक नहीं लगता क्योंकि जानवरों को भी खुशी से जीने का हक है ना, उन्हें भी हैप्पी रहने का हक है, हमें उनकी क्या करनी चाहिए, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनका टेक केयर करना चाहिए और उन्हें प्यार करना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर क्या है, बहुत सारे जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुझे यह ठीक नहीं लगता क्योंकि जानवरों को भी खुशी से जीने का हक है। क्वेश्चन यहाँ, आंसर यहाँ, ये सेंटेंस इंड हो रहा है तो हमने यहाँ पे क्या दिया है, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए, तो ये आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं, आपके आसपास कौन कौन से जानवर बोझ उठाते हैं, आपने कभी ध्यान दिया है? तो हमारे आसपास गधा, गधा, खच्चर, घोड़ा, ऊंट इत्यादि जानवर हमारे यहाँ बोझ उठाते हैं, है ना। यहाँ भी आप देखते हो सेंटेंस कंप्लीट होने पर हम क्या दे रहे हैं, पूर्ण विराम। अगले बीट की ओर बढ़ते हैं, इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है। ओके, इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है। अब मैं लेकर आई मैजिक लाइट, है ना, इसे बोलते हैं मैजिक लाइट, मैंने इसे नाम दिया है मैजिक लाइट। ओके, तो इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको कविता पढ़नी होगी, है ना, और जितनी बार भी ऊंट शब्द आता है उसे आपको अंडरलाइन करते जाना होगा, फिर आप काउंट करोगे तो आपको मालूम होगा। तो मैंने ऐसा करके देखा और मुझे मिला 13, है ना, 13 बार आया है ऊंट शब्द। आप भी एक बार काउंट करके देखो मैं सही हूं या नहीं। नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। ये तो एक गेम है, आपको इसमें ढूंढना है कि कितनी बार ऊंट छिपे, कितने ऊंट छिपे हुए हैं, कैमल छिपे हुए हैं। तो मैंने काउंट किया तो मुझे मिले 72, 72। ये नंबर में ऐसे होंगे और इसे नंबर नेम में हम लिखते हैं हिंदी में 72। ओके, 72 को हम बोलते हैं 72। तो आप भी करके देखो आपको कितने मिलते हैं, है ना, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो क्या करना है आपको, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगी सेकेंड चैप्टर, और सेकेंड चैप्टर क्या है, सेकेंड चैप्टर है भालू ने खेली फुटबॉल, है ना। तो भालू ने खेली फुटबॉल मैं आपको बताऊंगी, उसकी मीनिंग बताऊंगी और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।